देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। उस समय मुझे आने के लिए क्यों मना कर रहे थे? दीदी ने क्या सोचा होगा? रानी, अभी भी तुम ये सब सोचती हो? तुम तो बड़ी हो गई हो ना? मुझे पता है रानी कि तुम्हारे मन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है और कई सारे सवाल भी हैं। क्यों मैं तुम्हें छोड़कर इतने दिन घर से बाहर रहा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, उसके बाद भी क्यों घर वापस नहीं लौट आया? क्यों? सही है ना रानी? तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मेरे मन में काफी उलझन थी। हाँ रानी, बार बार मुझे लगा कि मैं राम मोहन रॉय का साथी हूं, उनके आदर्श को मैं मानता हूं,
सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कुसंस्कार के वश में आ गया। मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है, तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, इसीलिए तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा नहीं हो पाया। अकेले में बैठ के सोच रहा था, उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश की। रानी, उन प्रश्नों का एक ही जवाब है और वो यही है। यहाँ पर, यहाँ कहाँ? शिक्षा। रानी, लड़कियों को किसी भी हाल में पढ़ना लिखना होगा, शिक्षा ही लड़कियों का एकमात्र मुक्ति का पथ है। आप मुझे फिर से पढ़ने के लिए कह रहे हैं? दीदी के मुंह से सुना नहीं कि पढ़ने लिखने से क्या होता है? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। रानी, तुम समाज के लोगों की तरह नहीं सोचती, तुम तो अपने तरीके से सोचती हो। फिर इस विषय को लेकर क्यों समाज के लोगों की तरह सोच रही हो? ये सिर्फ कुसंस्कार है रानी। आप नहीं समझ पाएंगे कि आप मेरे लिए क्या है। आप पर कोई आपदा आने से मैं खत्म ही हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं जानबूझ के ये सब कैसे होने दूं? हृदयेश्वरी राजेश्वरी ओ हे मोर प्राणाधिके। ভালোবাসি বলে লোকে কত কি যে বলে, ভালোবাসি বলে লোকে কত কি যে বলে, ভুলি না সে ছলে প্রেমের কৌশলে, জিনিব তোমারি মন ও হে প্রাণাধিকে। सावधान रहो, पैरे में थोड़ी भी भूल चुक नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक जगह पे बैठे मत रहना। पिछली बार क्या हुआ याद है ना? यहाँ बहुत सारे खूंखार डाकू हैं। होशियार। कौन है वहाँ? ये सरदार की आवाज है ना? अब फिर से क्या हुआ? तुम लोग उधर जाओ। तुम लोग उस तरफ देखो। आप ये क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? सरदार, क्या हुआ? उधर से एक आवाज आई थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी एक बार चारों तरफ देखना चाहिए। आप कमरे में जाइए, मैंने लोगों को भेज दिया। नहीं, चलो मैं भी जाऊंगा। रानी माँ, हजरतपुर के जमींदार महाशय ने यह रघुवीर जी की मूर्ति आपके लिए भेजी है।
मैं कुमार हूँ, मैं चलता हूँ। ये क्या, तुम्हें ये मूरत कहाँ से मिली? एक कुम्हार देकर गए, कहा कि हजरतपुर के जमींदार ने भेजा है। वो जमींदार नहीं है, डाकू है, गंगा डाकू, नीलकर साहब ने मुझे बताया। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, इतने भले इंसान मुझे माँ कह के पुकारते हैं, आपको जरूर कोई भूल हो रही है। रानी, भूल तुमसे हो रही है, क्या तुम भूल गई इससे पहले मोखीपुर में क्या हुआ था? सब लोग भैरव डाकू जैसे नहीं है और सबका मन तुम बदल नहीं सकती हो, इसीलिए मेहरबानी करके घर से बाहर मत निकलना। सरदार, पहरा और बढ़ा दो। जय जय श्री नहीं, सबने लखान दे दिया है, कोई समस्या तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं हुजूर, आपके इलाके में इतना साहस करने की हिम्मत किसकी है बताइए तो, कि आपका दिया हुआ लगान अस्वीकार करे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, उसके धन का भंडार जमीन सब मैं आग लगवा दूंगा। हुजूर, ऐसा दुस्साहस महेश के अलावा और कौन कर सकता है बताइए? बड़ा बदमाश है, कितनी बार समझाया हुजूर, लेकिन किसी हाल में राजी नहीं हुआ, वही जिद पकड़ बैठा है। तुम एक निकम्मे, नॉनसेंस, तुमसे कोई काम नहीं होता। एक किसान को तुम राजी नहीं करवा सके? क्या बोल रहे हैं हुजूर, मुझसे नहीं होगा? शर्म, घृणा, मान सम्मान सब त्याग करके रात दिन आपकी सेवा में व्यस्त रहता हूँ, क्या नहीं किया आपके लिए, लेकिन ये महेश। हुजूर, हुजूर, इस महेश को देखकर गांव के बाकी लोग भी बिगड़ रहे हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, जरूर इसकी भी होगी। मुनीम, तुम पता लगाओ उसके परिवार में कौन कौन है। उसके परिवार में एक डाकू महिला है हुजूर, और उसकी पत्नी दुर्गा, उसके बच्चे नहीं है। उसके अलावा हुजूर, इस महेश ने दुर्गा को अपने सर पर बिठा लिया है। हुजूर, उस दुर्गा ने महेश के दिमाग में डाला है कि नील की खेती करके जमीन बर्बाद हो जाए। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मोनेम, तुम एक काम करो, तुम उसकी पत्नी को उठा के लेकर आओ। मैं उसकी पत्नी पर अत्याचार करूंगा, फिर वो जमीन बर्बाद होने की बात भूल जाएगा। उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। अभी जाओ, जाओ अभी, उन दोनों को पकड़ के लेकर आओ। अंदर माल पहुंच गया है ना? हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे बच्चे का बाप बनना है, तुम्हारा नहीं।
तेरी भी यही हालत होगी दुर्गा, तेरी भी यही हालत होगी, तू भी तड़पेगी। कड़ी से सरदार, पहरेदारों को और सतर्क होने के लिए कहो। हमारे इतने लोग होने के बावजूद भी एक आदमी आया और चला गया और हमें कुछ पता नहीं चला। ये अच्छी बात नहीं है सरदार। छोटे मालिक, ये भूल आगे से नहीं होगी। आप घर के अंदर जाइए, मैं खुद यहाँ पहरा दूंगा। अब कोई भूल चुक नहीं होगी। ठीक है। क्या हुआ सरदार? ये तो वही महिला है, लगता है इस गांव की। बेहोश सरदार, पतासी को बुलाओ। आंख और चेहरे पर पानी छिड़को। जी छोटे मालिक। Oh.
दीदी सुनो, आप ये कलश लेकर कहाँ जा रही हैं? छोटी बहू रानी, बाहर एक महिला बेहोश पड़ी है। क्या कह रही हैं आप? ओ माँ, इतनी रात गए, ये औरत कहाँ से आ गई? ओ दीदी, हम लोग भी चलते हैं ना, कोई लाचार महिला होंगी। चलिए दीदी, चलिए। चलो। क्या हुआ है देवर जी, क्या हुआ है? कौन बेहोश हो गई है? कौन? ये तो सुहागन औरत है, इतनी रात गए, ये कहाँ से आई? इसके पति कहाँ है? ओ दीदी, आप इसे अंदर ले चलिए। रानी, मेरी बात सुनो, तुम इसे जानती नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है ये लड़की डाकुओं की टोली की हो और बेहोश होने का नाटक कर रही हो। रानी, अंदर जाने के बाद अगर इस तरह से शक करके इनको छोड़कर जा सकते हैं क्या? पहले इन्हें होश में लाना होगा। ओ दीदी सुनिए, इनको उठाइए ना। दीदी, होश आ रहा है। दीदी आप रसोई में जाइए, तो जाके देखिए गरम दूध है क्या। पकड़ इसे। खबरदार, मेरे पास मत आओ, एकदम पास मत आओ। सब वो नीलकर साहब बहादुर के लोग हैं। क्या सोचा है, मुझे पकड़ के ले जाओगे? नहीं ले जा पाओगे, मुझे नहीं। इससे नहीं ले जा पाओगे, लगता है दिमाग की बीमारी। वो तुम लोगों के साहब को बता देना, दुर्गा को पकड़ना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे पति उनकी गुलामी नहीं करेंगे गुलामी। नहीं, तुम्हारा नाम दुर्गा है? सुनो, दूर हो जाओ, नहीं तो मार दूंगी तुम्हें। इसे संभालना हम दोनों का काम नहीं है, तो देवर जी को बुला। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये साहेब का घर नहीं है, ये हमारे जमींदार की तालुका है। ओ दीदी, आप उनका नाम बताइए ना। हाँ, बाबू राजचंद्र दास इस तालुका के मालिक हैं। हम लोग कोलकाता से आए हैं, समझी? अच्छा सुनो, तुमको कौन से साहब स्पर्श करना चाहते थे? ये साहेब की कुटीर नहीं है, जमींदार महाशय का घर है। हाँ सही कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ। हमारे रहते कोई साहब तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हुआ था बताओ तो, तुम हमारे घर के पास आई कैसे? ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? मेरे पति को ले गए, चाबुक मार मार के वो बचेंगे नहीं, वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? कौन से साहेब? दुर्गा, साफ साफ बताओ, कौन से साहेब?
भाई मार्टिन साहब हो। मेरे इशारे से शेर और गाय एक ही घाट में पानी पीते हैं, और तुम एक किसान होकर मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, मैं किसी भी हाल में नील की खेती नहीं करूंगा। What? या तो नील की खेती करोगे या फिर फांसी लगाकर मरोगे। अभी बताओ, अग्रिम लोगे कि नहीं? तुम मुझे मार दो या काट दो साहब, मैं किसी भी हाल में नील की खेती नहीं करूंगा। नील की खेती करने से जमीन बर्बाद हो जाती है। जमीन हमारी माँ है, जमीन हमारे पेट के लिए खाना जुटाती है। उस माँ का मैं अपमान कभी नहीं करूंगा साहब, किसी भी हाल में नहीं। देखा मालिक, मैंने कई बार कहा था ना आपको, इसको कितनी बार समझाया है मैंने, लेकिन फिर भी नहीं समझाए। वो कहावत है ना, चोर सुनते नहीं धर्म की बातें, पागल 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 भी समझते अपना भला बुरा, लेकिन ये कुछ नहीं समझता। ये आसामी बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है। हाँ। मेरी बात सुनी नहीं रहा है ये। हाँ। इसको फांसी लगवाने के लिए ले जाओ, क्योंकि अगर एक आदमी नील की खेती नहीं करता है तो बाकी लोग भी नहीं करना चाहेंगे। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा हुजूर। ए, ए, पकड़ो उसको, पकड़ो और फांसी के लिए ले जाओ, पकड़ो उसे। मुनीम जी, छोटे मालिक यहाँ आ रहे हैं। What? बिना कोई खबर दिए कैसे आ गए? Hey! उसको छुपा दो, and make sure चंदर को वो दिखाई ना दे। जाओ क्विक। वेलकम वेलकम, आपसे आज मुलाकात होगी ऐसा सोचा नहीं था। प्लीज कम इन कम इन। मिस्टर मार्टिन, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, दरअसल मैं एक किसान की तलाश कर रहा हूँ, उसका नाम है महेश सरदार। सुना है हमारे इस मोखिमपुर में उसकी कुछ जमीनें हैं। मिस्टर मार्टिन, जरा देखिए ना, आपके लोग उसका पता लगा सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, यहाँ के सारे किसानों को मैं जानता हूँ। लेकिन चंदर, अचानक एक किसान की खबर क्यों लेने आए हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? दरअसल बात यह है, मेरी पत्नी को बगीचे का बहुत शौक है, लेकिन फूलों का बगीचा नहीं, सब्जी का बगीचा। और यहाँ आने के बाद सुना कि महेश सरदार के हाथों से सोना फलता है, इसीलिए उसकी खोज में आया था। Of course, of course. मुनीम, मुनीम, चंदर किसी महेश किसान को ढूंढ रहे हैं। जाओ, उसको ढूंढ के लाओ। जाओ क्विक। तब तक चंदर और मैं थोड़ा टी पियेंगे। तेरा भाग्य बहुत अच्छा है महेश, आज भगवान ने तुझे बचा लिया है, नहीं तो तेरे ये नखरे यहीं फुस हो जाते थे। खबरदार खबरदार महेश, ये बात छोटे मालिक के कान तक पहुंची तो, अगर पहुंच गई तो तेरी जुबान काट लूंगा और भगवान भी तुझे बचा नहीं पाएगा, ये बात याद रखना। नहीं मुनीम जी, अगर मेरी दुर्गा को कुछ भी हुआ तो मैं भी कुछ भी करूंगा, नहीं तो तंबू के साथ जला देगा ये महेश किसान, स्वयं भगवान भी
आप लोगों को नहीं बचा पाएगा, कह देता हूं मैं। घमंड, तेरा घमंड एक दिन मैं तोड़ दूंगा। अभी जाता हूं। अगर तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी किश्तोदास नहीं। सुनो, तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो, ऐसे रोने से गृहस्थी का अकल्याण होता है। मेरे पति तुम्हारे पति को वापस लेकर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ तो, उस साहब ने तुम्हारे पति को क्यों पकड़ा है? क्या किया तुम्हारे पति ने? हमारे घर में तो नीलकर साहब आते हैं, मैं उनको साहब के साथ बात करने के लिए कहूंगी। साहब यहाँ आते हैं? हाँ, कल ही तो आए थे। तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या करते हैं वो साहब? कुछ नहीं, मैं मानिकपुर लौट जाती हूँ, देखती हूँ वो वहाँ लौटे हैं कि नहीं। मैं वो देखो, ये लोग आ गए। यही तुम्हारे पति है ना? दुर्गा, तुम ठीक हो ना दुर्गा? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? चलती हूँ छोटी बहू, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मुझे वापस मिल जाएंगी। आपको मैं शत कोटि प्रणाम करती हूँ। सुनिए ना, ये लोग मानिकपुर में रहते हैं। हाँ, मानिकपुर हमारी जमींदारी का ही इलाका है। चलिए ना, हम एक बार मानिकपुर चलते हैं, वहाँ एक बार घूमकर देखते हैं, वहाँ की प्रजा के साथ बात भी कर सकते हैं। अच्छा, आप दीदी और मुझे लेकर जाएंगे? रानी, दुर्गा ने तुम्हें कुछ बताया? मतलब अचानक वो ऐसे भागकर क्यों आई थी? मेरा दिल कह रहा है कि मार्टिन साहब जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, प्रजा को कुछ कहना है। मैंने बार बार उससे पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बेचारी शायद डर गई थी। हाँ रानी, मैंने ये डर प्रजाओं के बीच देखा है। आज सुबह जब मार्टिन साहब के पास जा रहा था तब मैंने ध्यान दिया था, प्रजा डर से मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन हमारे गांव के लोग आखिर मुझसे क्यों डरेंगे? मैं या मेरे परिवार के लोगों ने कभी भी उन पर अत्याचार नहीं किया है, तो फिर डरेंगे क्यों? नहीं नहीं, यहाँ का जमींदार होने के नाते मेरा कर्तव्य है इस डर का कारण ढूंढना और उसका समाधान करना। आपने साहब को दुर्गा के बारे में बताया था? नहीं रानी, नहीं बताया। और होश आने के बाद जो बताया था वो भी नहीं बताया, कोई और कारण बताया। आपको मानिकपुर के लोगों को देख के कुछ समझ में आया क्या? नहीं रानी, बाहर से सब कुछ स्वाभाविक और शांति लग रहा था, लेकिन प्रजाओं के चेहरे पर डर और दुख का संकेत दिखा।
मुझे लगता है वहाँ कुछ तो हो रहा है। वो साहब सच में भले इंसान नहीं है। साहब का नाम लेने से दुर्गा डर से कांप रही थी। जब उसने सुना कि मार्टिन साहब यहाँ पर आए हैं, तब यहाँ रहना नहीं चाहती थी। किस बात का डर है उस साहब से? आखिर क्या वजह है जो लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है? हारे बहू, शादी को अब 1 साल हो जाएगा। अभी क्या करना है कुछ सोचा है? अगर हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही तो खुद के बारे में कब सोचोगी? अचानक से खुद के बारे में क्यों सोचूं? आप लोगों के बीच ऐसे ही खुश हूँ। हे भगवान, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं? अभी एक बच्चा आ जाए, इसके लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। आप ये क्या कह रही हैं दीदी? ओ माँ, तुझे इस बारे में कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। देख बहू, तेरा भाग्य अच्छा है कि तुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ तुझे सतर्क कर रही हूँ। तो अभी देवर जी से बोल एक बेटा देने के लिए। हाँ, अरे लड़कियां हर साल बच्चे को जन्म ना दे तो उसे अशुभ कहा जाता है, और उससे पता चलता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। इन सब बातों को लेकर मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी, ये तुम्हें नहीं पता। ओ दीदी, आपको बेटा नहीं हुआ इसलिए आपको बातें सुननी पड़ी? किसने सुनाई? नानी माँ ने। नानी माँ ने सामने से और बाकी लोग पीछे से। एक बात कहूँ आपसे, आपने जेठ जी से नहीं कहा कि आपको बातें सुननी पड़ी? कहा था छोटी बहू, उन्होंने हंसकर ये बात टाल दी और कहते थे इस बात को लेकर जल्दबाजी क्यों, सही समय आने पर ये सब होगा। सही समय आने से पहले ही वो चल बसे। ओ माँ, तू कितनी प्यारी लग रही है रे। मैं तुम दोनों के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम दोनों को 100 साल की उम्र दे। और अभी देवर जी को समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी अपनी भैया की तरह वंशज लाने में देरी करेंगे। बचपना करने से नहीं चलेगा पगली, वंश की रक्षा की बात है ये। चेहरा ऐसे उदास क्यों हो गया? मेरी बात सुन के डर गई क्या? बाबा, जो लड़की कागज हाथ में लिए जमींदारों के सामने जाती है, वो लड़की बच्चे की बात सुनकर डर जाती है? वो तो कल हम लोगों को लेकर मानिकपुर जाएंगे, आप चलेंगी ना? नहीं रे, तुम लोग जाओ। और सुन, अभी देवर जी को थोड़ा अपनी तरफ खींच, और बचपना करने से नहीं चलेगा। लोगों की 10 बातें सुनने से पहले तुझे माँ बनना ही पड़ेगा, समझी? उस कमरे में जाके सबसे पहले
कमरे में आना ही नहीं चाहती है। पता नहीं क्या कर रही है, इस कमरे में आना ही नहीं चाहती है। मैं और अकेला बैठ कर क्या करूंगा।